fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Switch up the flow, show you the way that it go. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind it smart. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they said we are. Pass the baton, we gon' take it far. Always be real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just make enough to survive. Only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? Listen at the scenes, time to live my dreams. Do the things deep inside of me. This life, it continues with fighting me. But I don't have quitting inside of me. I will not jump in these boxes they throw at me. Talking to God and there's so much he's showing me. Shaping me, growing me, taking me sowing seeds. A growing tree, y'all get a load of me. Yeah, don't let them slow on me. I get the bad like a grocery. I'm on my... जय दोस्तों, क्या लाभ सबके, डिसाइड संदीप जी, और आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और जो आज का आपको जो ब्लॉग है वो किसी ट्रैवलिंग के ऊपर नहीं है, वो एक्चुअली जो मेरे साथ आपने भाई को देखा हुआ, शेखर भाई को बहुत बार, उनके पास बुलेट है। और भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको उसकी नाम ये नहीं बताऊँगा कि वो कितनी पुरानी है, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितने साल पुरानी लग रही है। और फिर आपको वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि कितने साल पुरानी है। मेरी बाइक को भी 1 साल हुआ है और मेरी बाइक उससे आज भी पुरानी लगती है भाई। भाई कुछ ओनर ऐसे होते हैं जो अपनी बाइक को ऐसे चमका के रखते हैं भाई साहब, ऐसे गाड़ी वगैरह भी है इनके पास, सब कुछ इनके पास पूरी चमक के रहती है। तो चलो इनसे कुछ टिप्स भी लेंगे कि आप गाड़ी को और बाइक को कैसे चमका के रखते हो। चलो अभी आपको सीधा शेखर भाई से मिलवाते हैं और उनकी बाइक दिखाते हैं, और आप गैस करना, और आपको लास्ट में ये भी बताया गया कितने साल पुरानी है। देखो भाई, ये है वो बाइक रॉयल एनफील्ड जिसका मैं बात कर रहा था, अभी आप देख सकते हैं। और कंडीशन देख के आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने साल पुरानी लग रही है ये बाइक। चलिए अभी आपको मिलवाते हैं इन बाइक के ओनर से। हेलो भैया, कैसे हो? हेलो मिस्टर सैंडी। भाई ये अपने शेखर भैया, और मैं इनकी बाइक की तारीफ कर रहा था। तो भैया आपको ना एक बात का वो करना है, अभी आपने इसका वो नहीं बताना है कब ली थी, ठीक है, कितनी पुरानी है। अच्छा अब हमको ये टिप्स दो कि भाई आप इतनी पुरानी बाइक को चमका के कैसे रखते हो। देखो ऐसा है, पहले तो रॉयल इनफील्ड हर युवा दिनों की धड़कन होती है। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, 10वीं और 11वीं क्लास के बाद आता है, तो उसका पहला सपना होता है मेरे को रॉयल इनफील्ड लेनी है। मेरा भी यही था, सबका होता है। लेकिन रॉयल इनफील्ड के साथ है ना कुछ एडवांटेज भी आपको यूज करनी होती है। जितनी तमन्ना से आप इसको खरीद के लाते हो ना, उतनी तमन्ना से आप इसको रखना भी सीखो। कैसे रखना? जैसे आप खुद नहाते हो, अपने कपड़े प्रेस करते हो, अपने सब चद्दर तकिए वगैरह सजा के रखते हो, वैसे ही आप बुलेट को भी सजा के रखते हो। देखो आज उसका परिणाम है, इतने साल के बाद भी ये मेरे को कभी धोखा नहीं दिया इसने। बिल्कुल, मेरी बाइक में इतने साल के बाद आज तक पंचर नहीं हुआ, कभी ये बंद नहीं हुई, देखो कभी इसने मिस फायर नहीं किया, कभी इसकी लाइट नहीं बंद हुई। और भाई साहब जो इसका एक परसेप्शन बना रखा है कि ये तो वो वाला हाथी है, अगर इसको पालोगे तो खर्चा तो आपको उठना ही पड़ेगा, तो ये क्या सच है या लोगों ने बिना केयर के ही उनकी बाइक खराब होती है तो वो फिर अपना बहाने मारते हैं कुछ भी कि बाइक ही खराब है। जैसे अरेबियन कंट्रीज में है ना एक बात पॉपुलर है, आपने AK-47 ले ली, उसका कोई खर्चा नहीं है ना उसकी मेंटेनेंस है, वैसे ये बाइक है। अच्छा, AK-47 से आप वो कर रहे हो इसका? हाँ, बिल्कुल, इसका कोई खर्चा नहीं है। आप देखो नई नई गाड़ियां आ रही है, एक एक साल में जंग पकड़ रही है। मेरी गाड़ी इतनी साल पुरानी है, मैं लास्ट को बताऊं भैया, तो मैं भी बोलता हूँ कहीं जंग नहीं लगा इसको। आपको पूरा अच्छे से बता देता हूँ, कहीं से भी आपको जंग नहीं लगा इसको। इवन ये पार्ट पे तो सबसे पहले जंग लगता है, क्रोम पे 1% भी नहीं लगा हुआ है। कोई पार्ट इसका बदला नहीं है मैंने, कभी इसमें 10 रुपए खर्चे नहीं है मैंने, सिर्फ ऑयल सर्विस इसकी टाइम पे करवाता हूँ। हाँ, अच्छा। वो साल में एक बार करवाता हूँ, साल में एक बार, एक बार पूरी ऑयलिंग करवाते हैं, पूरी ऑयलिंग करवाता हूँ साल में एक बार। उसका खर्चा आता है हार्डली 2300 रुपए से लेके और 3400 रुपए। अच्छा अच्छा, वो डिपेंड करता है भाई, कभी ब्रेक लेदर वगैरह चेंज करने है। तो मेरी बाइक चली है उसमें ना तो मैंने अभी तक ब्रेक लेदर चेंज किए हैं इतने साल। अच्छा, और कितनी चल गई है? ये चली है 15,470 किलोमीटर। भाई ये बाइक 15,000 चली हुई है, और कहीं से लग रही है कि 15, ऐसे लग रहा है कि ये कल ही शोरूम से आई है भाई। 15,000
15,470 किलोमीटर चली है। एक बार इसका टायर रिप्लेस किया था, वो भी किसी बच्चे की गलती की वजह से, उन्हें कोई कांच की बोतल तोड़ रखी थी। अच्छा, उसके ऊपर ड्रिंक करो तो बोतलें कम से कम भाई खेतों में ही फेंक जाओ। बोतल की वजह से मेरा टायर फट गया था। वैसा बात टायर की भी नहीं है, टायर तो फिर भी बदलवा लिया, आपको चोट लग जाती वो ज्यादा परेशानी थी। ये पीने वाले ना समझते नहीं है कि आपकी वजह से कोई और भी खतरे में आ सकता है। संभाल के रखने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है। ₹2 का क्लिनिक प्लस शैम्पू आते हैं, 2 पाउच, इससे इसको दो दो। अच्छा, वीक में कितनी बार धोते हो? हफ्ते में दो बार। तभी तो रिजल्ट है। वैसा वैसे ना आपको जैसे मैंने बताया हुआ है, मेरे पास भी थी बुलेट, मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा पता नहीं क्यों, और मैं केयर भी करता था आपको। मैं अभी एक नई बाइक और बुक करके आया हूं, जो आई है सुपर मेटियर 650। हां भाई साहब, ने वो भी 35,000 रुपए की पड़ेगी, और उसका भी अपना मजा है। वो भी भैया हमारी बहुत जल्द आने वाली है भाई साहब की, हमारे ग्रुप में बिल्कुल जब वो आएगी तो आपको उस बाइक का रिव्यू भी दिखाएंगे। और अभी से बाइक का ईयर बताता हूं आपको कितने साल। नहीं नहीं, अभी एक चीज और बताओ, इसके सर्विस में कितने आते हैं? क्या रुपए सर्विस पे? मैंने बताया आपको। अच्छा, वो एक अच्छा मैं सोचा सिर्फ इसका वो पार्ट वगैरह। नहीं नहीं, पार्ट तो कोई खराब हुआ ही नहीं भाई। आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ, मैं मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी थी, जो इस बाइक का टोटल खर्चा है वो है 2200 से 3500 के बीच में पूरा, जिसमें सर्विस भी इंक्लूड है, सब कुछ आ गया इसमें। भाई साहब सैल्यूट है यार, ये तो रॉयल एनफील्ड को तो ऐसे ही बदनाम किया हुआ इन्होंने। कोई चक्कर नहीं है, अगर आप अच्छे से चलाओगे ये कुछ खर्चा नहीं मांगेगी। आप इसको बुरी तरह चलाओगे फिर ये आपसे खर्चा मांगेगी। हाँ ये तो है, खर्चा मांगे। और भाई मैं क्या कंपैरिजन कर रहा था, और जो ये मेरी बाइक है इसको भी एक साल भी नहीं हुआ है, एक साल हो गया है। और भाई साहब अब आप रिवील कर दो कि आपको कितने। हाँ इधर से आओ घूम के। ये बाइक मैंने 10 साल पहले ली थी भाई साहब, भाई 10 साल पहले। आप लोग झूठ मानोगे, अभी भाई साहब आरसी है इसकी। हाँ, अभी एक मिनट रुकिए, अभी आपको आरसी भी प्रूफ है यार, हम कोई झूठ नहीं बोलते कि आप लोग सोचोगे कि हवाबाजी करके। और एक ये मेरे वाली देख लो भाई, और आप सामने से भी देख सकते हो यार कितनी ये बाइक चमक रही है। और मेरे वाली देखना यार, अभी से रंग फेड होने लग गया है देखो। हाँ ये आरसी देखो भाई, अभी आपको आरसी भी दिखाते है। ये देखो लो भाई, जून 14 2014 है भाई, 4 जून और अभी 2023 है, सोच लो 9 साल हो गए हैं। हार्डली 9 साल हो गए। और अभी दिखाता हूँ, इधर लाओ कैमरा। ये बाइक ऑलमोस्ट नहीं भाई, मेरी बाइक की बेइज्जती, सुनो भाई मेरी बाइक की बेइज्जती मारने जा रहे हैं। ठीक है भाई, बिचारी है मेरी बाइक, लेकिन भाई इतना इसके लिए बेइज्जती नहीं सहूंगा भाई। देखो यार एक साल में क्या हालत हो गई है भाई। ये बाइक आपको ना ऑन रोड जो मेरे वाली है वो पड़ती है, आप अगर बेस मॉडल लोगे तो 7 के आसपास, और जो सब कुछ करवाओगे तो 8 के आसपास पड़ी है मेरे को ये। और ये वाली भी लगी देखना भाई, ये तो ना मैं देखना यार, ये तो मैंने उस पे भी डाला था। 8 लाख रुपए की बाइक, 8 लाख लगी है, 8 लाख की बाइक देखना, और ये कैसे टूट रही है यार। इन्हें वेल्डिंग भी करवा ली है और कंपनी ने हथकड़े कर दिया पार्ट चेंज करने भाई। ये तो प्रॉब्लम भाई साहब हर सुपर बाइक की है। और ये देखो एक यार भाई साहब, कितने की ली थी आपने उस टाइम पे? 1,20,000 रुपए की ली थी, 10,000 रुपए के अलॉय लगे थे, 1,30,000 मतलब पूरा। और देखो 10 साल के बाद भी 31 की बिक रही है मेरी। भाई देखना आपको एक इंटरेस्टिंग और बात बताता हूँ भाई साहब ने अभी जो बोल दिया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। इनकी ये बाइक 9 साल पहले 1,30,000 की पड़ी थी ऑन रोड, और आज भी इसके ग्राहक आ गए इसको खरीदने के लिए 1,30,000। भाई मेरे को अभी भी भाई साहब विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ भाई साहब, मैं तो भाई साहब मना भी करता हूँ कि ये बाइक देनी नहीं किसी को। हाँ यार भाई साहब का शौक था और ये शौक से आया है ना। हाँ टाटा का स्टील लगा हुआ भाई, और ये इम्पोर्टेड है जर्मनी की बाइक ना, वो इटली की है। ये देखो बाइक, ये देखो पंखे उड़े हो भाई के। भाई साहब अब ज्यादा बेइज्जती नहीं सहूंगा। हाँ बगाने में आ सकते हो मेरे साथ। तो भाई साहब भारतीय सामान लो और खुश रहो। ये तो है भाई, इम्पोर्टेड से बचो। लेकिन भाई कई बार क्या होता है, आपको धर्म के नाम पे और राष्ट्रीयता के नाम पे इतना भी बेवकूफ नहीं बनना भाई साहब। एक और बात बताता हूँ, टाटा की गाड़ियां बोलते हैं ना लोहा कर करके, उनकी गाड़ियां। हाँ भाई आप इतने रिव्यू देखोगे, ये कैसे पागल बना रहे टाटा और महिंद्रा आपको कि इंडिया इंडिया की बाइक है, इतना गंदी क्वालिटी की आपको बाइक दे, वो गाड़ियां दे रहे हैं जिसमें बहुत जंकी है। भाई साहब आपकी जो सुजुकी की उसका कैसा है रिजल्ट वैसे? कौन सी गाड़ी आपकी? मारुति सुजुकी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, मारुति सुजुकी ठीक है ना। हाँ इंग्लिश गाड़ी बहुत अच्छी है। अभी हमने वो नेक्सा की एक और ली है। नेक्सा की और लिया भाई। हाँ ग्रैंड विटारा भी अभी लिया भाई साहब और ने, और जल्दी बहुत जल्दी फिर बाइक की। भाई साहब मेरे को गाड़ियों का लोगों को पता ही है, मुझे शौक ही नहीं है। हाँ अपने को तो भाई बाइक्स का ही है। जल्दी मिलते हैं आपसे। हाँ चलो भाई ठीक है भाई, और मिलते हैं आपको बहुत जल्द, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यकीन। हाँ और एक बात हो रहा है भाई, भाई साहब की तरफ से भाई साहब बोलो
बी सेफ, हमेशा हेलमेट डाल के गाड़ी चलाएं। और भाई मेरे साथ काफी ट्रस्टेड हेलमेट ही खरीदे, काफी छोटे भाई भी मेरे को बोलते रहते हैं कि जैसे बाइक वगैरह पे की राइड पे हम भी चले गए, भाई मैं ना थोड़ा इसलिए भी अवॉइड करता हूँ क्योंकि जो हमारा ग्रुप है ना वो सारे ना थोड़े से 25 प्लस है, जो मैच्योर है एक्चुअली, हम ना बच्चों को तभी नहीं लेके जाते। ये भाई साहब ही हमारे सबसे बड़े, तो तभी मैं बोलता हूँ कि बच्चों को कि भाई यार तुम लोग ना फुकराबंदी में चलाओगे, कल को कुछ बात होगी भाई साहब हमारे ऊपर आ जाएगी, अगर आप हमारे साथ राइड करना भी चाहते हो तो भाई बिल्कुल प्रॉपर, हाँ अपना पूरा अपना हेलमेट वगैरह अच्छी कंपनी का। वीडियो बनाने आए तो हेलमेट वगैरह कैरी नहीं करके सामने ही मकान। हाँ भाई हम तो ना सिर्फ खेतों में इसलिए आए थे ताकि थोड़ा कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, थोड़ा सा हाईवे पे आ गए थे, वरना हम भी भाई जब भी जाते तो पूरा अपना सेफ्टी गियर वगैरह लगा के चलते। ठीक है भाई, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय हरियाणा।